ट्विटर पर नाना की जान बचाने के लिए मांगी ऑक्सीजन तो दर्ज हो गया मुकदमा, युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्मृति रानी के संसदीय क्षेत्र में अपने नाना के लिए ऑक्सीजन मांगने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के कारण हालत खराब होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में कई जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने लोगों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी एक्शन भी लिया जा रहा है। ऐसा ही मामला अमेठी जिले से सामने आया है, जहां एक शशांक यादव नामक युवक ने ट्विटर के माध्यम से अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की सिलेंडर की डिमांड कर दी। उसने बॉलीवुड अभिनेता सोनी सूद को ट्वीट में टैग कर मदद मांगी। मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा होने की वजह से सांसद, जिला प्रशासन और पुलिस भी हरकत में आ गए, लेकिन जांच के बाद मामला फर्जी पाया गया। पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। बाद में चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। न्यूज एक्स रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। 26 तारीख की रात करीब 8 बजे एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आया, जो पहला ट्वीट था कि अमेठी में मुझे अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे जनपद के भीतर इस प्रकार की मांग उठे तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करना, प्रतिसंवेदन करना हमारा दायित्व है। हमने CMO साहब ने तत्काल उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। शशांक नामक व्यक्ति का ट्वीट था। वो उसका फ़ोन ना उठने की स्थिति में हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसकी लोकेशन लेकर टीम रश की, कि हमको लगा कि हो सकता है वो ऐसी कठिनाई में हो कि इस समय फ़ोन ना उठा पा रहा हो। लेकिन कालांतर में जो तथ्य सामने आए वो इस प्रकार आए थे कि शशांक के ये रिश्ते के नाना हैं। शशांक अपने घर से 26 की शाम 6 बजे निकलते हैं, उनके घर 20 किलोमीटर दूर स्थित वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ 5 मिनट रुकने के बाद वो वापस अपने घर चले आते हैं और इस बीच में ट्वीट कर देते हैं। शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। कुल मिलाकर के हमारा इसमें हमने पाया कि इन्होंने सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया। हमारा उद्देश्य, हमने अभियोग पंजीकृत किया है महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। हमने इनको 41 CRPC की नोटिस तामील करके चेतावनी देकर छोड़ दिया है।